यहाँ पे दूध को बचाते हुए ये दूध एकदम बॉयल होकर ऊपर आ गया था, जस्ट गैस ऑफ कर दिया। चाय रेडी हो चुकी है हमारा, तो अब इसको कवर कर देते हैं। और अभी दिन की शुरुआत हमारी ऐसे हुई है, मैं 9 बजे उठ गई थी, 9 से पहले उठ गई थी, लेकिन अभी 10 बज गया है और यहाँ पे हमारी चाय बन गई है। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑन करते ही तो ख़राब है, इसको कपड़े पोछूं। जैसे हम ऑन करते हैं ना तो ये चलता तो है, पर इसका ये फिल्टर चेंज करना है। तो ये 3 साल हो गया ना, 3 साल, तुम्हें क्या नहीं पता है, 18 मैंने लिया था, नहीं हाँ 18 का मतलब 18 एन में लिया था, तो 3 साल तो हो गया है, 3 साल ऐसे जो भी है हो गया। तो ये हमारा चेंज करना है और अब इस साल तो यूज़ करना नहीं है, तो अब इसको पैक करके रख देंगे और नेक्स्ट डे चेक करेंगे। हाय गुड मॉर्निंग, कल पता है क्या हुआ था, फ़ोन में वो एक्सपोजर इसका एकदम लो पे कर दिया था मैंने, तो इसलिए एकदम वीडियो एकदम डल सी आ रही थी, जैसे एकदम अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था। और यहाँ पे सब कुछ सफाई हो चुकी है, ये बलून अभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ से रूम से आते हैं यहाँ पे गिरते हैं और यहाँ भी पड़े हुए हैं, बट ख़राब नहीं हुए हैं, जितना फुलाया था उतना ही है। तो रूम साफ़ हो गया है, पोछा ओछा लग गया है, किचन भी पूरा साफ़ हो चुका है, बस ये थोड़ा इसकी सफाई नहीं हो पाई है मेरे से, तो किचन सब साफ़ कर दिया। I mean, हमारी हाउस हेल्पर ने बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हैं, बहुत जल्दी काम कर देती हैं वो। तो अभी चलते हैं देखते हैं बालकनी में क्या सीन है और मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपनी बालकनी में। ये देखो आज तो आंधी तूफान, कितनी अच्छी धूप आई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ड्रेनेक्स है, तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा मेरी बालकनी में ड्रेनेज होल में थोड़ा सा पानी ओवरफ्लो होने लगा था, तो जब भी ऐसा होता है तो मैं ये पाउच खोल के उसमें डाल देती हूँ और उसके बाद गर्म पानी इसमें उसमें डाल देते हैं ना एक्स्ट्रा, मतलब जैसे कि उसको आधे से एक घंटे के लिए, आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधे से एक घंटे के लिए आप यहाँ पर डाल के इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद गर्म पानी एक बाल्टी इसमें डाल दीजिए, तो ये अपने आप एकदम क्लीन कर देता है, तो मैं हमेशा इसको यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने डाल दिया है तो अगले दिन के लिए सही हो जाएगा ये। और इसके बाद आधा पैकेट मेरा बच गया था क्योंकि ज़्यादा मैंने नहीं डाला था, तो अब मैं इसको बाथरूम वाले मतलब ऐसे बाथरूम में भी यूज़ कर लेती हूँ, तो बाथरूम में और किचन के सिंक में और बालकनी, बस 3 जगह के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये बेस्ट होता है अगर 2-3 पैकेट आप रख लो तो 1 मंथ में सही रहता है, वैसे 15 दिन पर एक बार ऐसे डाल दो ना तो क्लीन भी रहता है, ओवरफ्लो नहीं होता है पानी। सो गाइस ऐसे कर दिया ना, इसको डाल दिया है, तो अभी क्या होगा कि आधे एक घंटे मैक्सिमम इसको रखना होता है, इस पर लिखा भी रहता है, ये देख सकते हैं इस पर ये पूरा लिखा हुआ है कि आपको 30 मिनट्स के लिए इसको डालना होता है। अगर आप रात में डाल के इसको छोड़ देते हैं तब तो बहुत अच्छा है, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है भूल गया हो तो 30 मिनट्स के लिए आप इसको डाल के छोड़ सकते हो। बहुत अच्छे से क्लीन होता है क्योंकि मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस है उस वाले बालकनी का, तो जब भी मैं बालकनी थोड़ा सा ऐसे कभी लगता है कि वो ब्लॉकेज हो रही है तो उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि पहले कबूतरों ने इतनी ज़्यादा गंदगी मचा रखी थी ना, वो सारा कुछ फ्लो करके उसमें चला जाता था, तो इस वजह से थोड़ा ख़राब ऐसे हो रखा है, लेकिन जब भी ये डाल देती हूँ तो सही हो जाता है। थोड़ा उसमें डालती हूँ, थोड़ा बाथरूम में डाल देती हूँ, और किचन का क्या है, किचन में नॉर्मली कभी बेकिंग सोडा से भी काम चल जाता है, लेकिन किचन में हमेशा गर्म पानी यूज़ होता रहता है ना, तो इतना ज़्यादा गंदगी नहीं जमती है वो, तो कभी ऐसे नीड होती नहीं है किचन में, क्योंकि गर्म पानी से अगर बर्तन धो रहे हो विंटर में तो ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होती है। यूजली क्या होता है ना कि हम चिकनाई वगैरह यूज़ करते हैं तो वो जमता जाता है अगर ठंडे पानी से यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए गर्म पानी, या तो अगर आप गर्म पानी हमेशा नहीं यूज़ करते हो तो 15-10 दिन पे खोलता हुआ पानी, पूरा एकदम नॉर्मल सा पानी उसमें आप डाल सकते हो, उसे सही हो जाता है। और अब मैं जा रही हूँ चाय बैठ के पीऊँगी, थोड़ा फ़ोन देखूँगी, सो गाइज मैं चाय बनाने के वास्ते रेस्ट करने आ गई थी यहाँ पे, उठने को मन नहीं कर रहा था, इतनी ठंडी है दिल्ली में, बहुत ठंडी है सच में, बहुत पता नहीं कब ठंडी जाएगी, फरवरी का महीना आ गया फिर भी ठंडी नहीं जा रही है। तो उसके साथ साथ में हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये नितिन ने बनाया है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग अपना ब्रेकफास्ट क्या कर रहे हैं, और ये ब्रेकफास्ट मेड बाय नितिन है। तो आज नितिन ने बहुत ही बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट बनाया है, जिसमें हम मतलब बहुत हेल्दी वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये नितिन का फेवरेट है, मेरा तो मतलब स्पाइसी वाला फेवरेट है, लेकिन ये इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं भी खा लेती हूँ साथ साथ में। तो इसमें क्या होता है कि बताओगे तुम? प्रोटीन होता है। प्रोटीन तो मुझे पता ही यार, इतनी धुआं धुआं क्या, लाइट जला देना बाबू। यार तुमको क्या दिक्कत है भाई, ये देखो ये फ्लैक्चुएट है, उन्हें लगता है इतना दुष्ट है ये लाइट। तो गाइज इसमें क्या होता है एक्चुअली में, पहले चीज़ तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, और ये बनता ऐसे है कि ये जो चने होते हैं ना, इसको भिगो के रात भर हम रखते हैं, और सुबह कुकर में जीरा और हरी मिर्च और ये चने, और इसके साथ डबल ट्रिपल मतलब जितना चना होता है उसका डबल ट्रिपल पानी डाल देते हैं ना, जिससे कि आपको आपको जितना पानी चाहिए डाल सकती हो, कुछ भी डाल सकती हो, आपको जितना पानी पीना है मतलब हमें इतना सा पीना होता है, इससे ज़्यादा नहीं पीना होता है, तो इसलिए हम उसी हिसाब से पानी डालते हैं। पर इसका पानी इसका मतलब बहुत ही फ़ायदा करता है। उसके बाद आप काला नमक या फिर चाट मसाला थोड़ा सा डाल के इसको ऐसे ही खा सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है,